इंडियन सोसाइटी फॉर क्रिटिकल केयर मेडिसिन ने कोविड 19 की तीसरी लहर की आशंका जताते हुए केंद्र सरकार से प्रशिक्षित कर्मियों से लैस एवं पूर्ण रूप से क्रियाशील गंभीर मरीज देखभाल इकाइयां स्थापित करने का शनिवार को अनुरोध किया है। ISCCM ने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाते हुए 2 दिवसीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य भारतीय चिकित्सकों को निकट भविष्य में क्लिनिकल अनुसंधान के अतिरिक्त अग्रिम पंक्ति में लाने की कोशिश करना है। ISCCM ने एक बयान में कहा है कि सत्र में अस्पतालों में गंभीर मरीज देखभाल इकाइयों के महत्व पर जोर दिया गया है, जो कि नाजुक स्थिति वाले मरीजों को बचाने में जीवन रेखा के तौर पर काम करती है और कुशल चिकित्सा कर्मी व तकनीकी रूप से अपडेट सुविधाओं को वहां काफी जरूरत होती है। बयान के मुताबिक सत्र में 450 से अधिक चिकित्सकों, विशेषज्ञों, नर्सों और टेक्नीशियनों ने हिस्सा लिया है। ISCCM के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक गोविल ने कहा है कि गंभीर मरीज देखभाल विशेषज्ञों, नर्सों और टेक्नीशियनों की देश में भारी कमी है, जो महामारी के दौरान खुलकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि गहन चिकित्सा देखभाल को आम आदमी के लिए कहीं अधिक पहुंच योग्य और वहनीय बनाना चाहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।